हेलो यार, तो कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और न्यू गेम प्ले की वीडियो में। तो गाइस आज अपन फिर से खेलेंगे ग्रैनी चैप्टर 3। और भाई आज के गेम प्ले में ना अपन करेंगे दादा और दादी के घर से ट्रेन स्केप। अपन ने लास्ट वीडियोस में दादा और दादी के घर से डोर स्केप तो कर लिया है, बट यार ट्रेन स्केप अभी तक अपन से हुआ नहीं है। बट यार आज की वीडियो में ना अपन दादा और दादी के घर से बिल्कुल भागी जाएगी ट्रेन को लेकर। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेम ऑन। ऑल राइट गाइस, तो यार अपना गेम स्टार्ट हो चुका है और अपना पहला दिन भी आ चुका है। एंड सबसे पहले यहाँ पर अपन को लॉक पिक को उठाना है और फटाफट से अपन को इस डोर के लॉक को तोड़ना है। तो लॉक पिक यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ है, तो इसको मैं फटाफट से उठा लेता हूँ। लेकिन कहाँ गया? ओके, ये तो मैंने उठाया नहीं था। हाँ, तो मैं यहाँ पर फटाफट से इसको उठा लेता हूँ। फटाफट से यार, मैं फटाफट से बोल तो रहा हूँ लेकिन यार ये फटाफट से गेट खुलता ही नहीं। अब मैं क्या करूँ, मतलब पहली बार में ना ये डोर बहुत ही टाइम लेता है खुलने में। लेकिन चलो यार ठीक है, और ये खुल भी की चुका है लॉक अपना। और यहाँ पर एक और लॉक है, और हाँ अंदर एक टैडी रखा हुआ है, स्लेंडरीना का टैडी। लेकिन यार अभी मैं उसको उठाऊंगा ना तो यार ग्रैनी अपने पीछे पड़ जाएगी। तो मैं अभी इसका लॉक सिर्फ खोल देता हूँ और फिर बाद में आकर इसको मैं उठा लूँगा। और यार ये वाले डोर का भी अपन को लॉक खोलना पड़ेगा, तो खोलते यार कुछ भी नहीं कर सकते अपन। फटाफट से इस डोर को भी ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ पर ग्रैनी नहीं आनी चाहिए थी, बट ये आ चुकी है और अपन को अब भागना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से पीछे निकलता हूँ, नहीं यहाँ पर नहीं छुपना है। और एक काम करता हूँ, मैं नीचे ही जाता हूँ और नीचे पहले तो मैं ग्रैनी को बुलाता हूँ। और जैसे ही ग्रैनी मुझे यहाँ पर ढूंढते ढूंढते आएगी ना, तो मैं फटाक से पीछे वाले रास्ते से निकल जाऊँगा। तो मैं फटाफट से ये खोलता हूँ ये वाला डोर। एंड यहाँ पर कुछ ना कुछ, ओके यहाँ पर अपन को कोकोनट मिल चुका है। और यहाँ से मैं क्राउच होके नीचे से जाता हूँ और ग्रैनी का यहाँ पर इंतज़ार करता हूँ। यार अभी तक ग्रैनी आई नहीं। ओके हाँ, ग्रैनी यहाँ पर आ चुकी है। और भाई अब मुझे यहाँ से निकलना होगा, तो मैं धीरे से निकल जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर निकल चुका हूँ और भाई ग्रैनी मेरे पीछे ही है, और मुझे यहाँ से फटाफट से निकलना पड़ेगा। बस इसका जो बुड्ढा है ना वो सामने से ना टपक जाए, वरना ये पीछे से आ रही होगी और इसका बुड्ढा सामने से आ रहा होगा और मैं बीच में सैंडविच बन जाऊँगा। तो भाई ग्रैंडपा का अभी तक तो यहाँ पर नामो निशान तक नहीं है। मैंने जल्दी से यहाँ पर कोकोनट को ड्रॉप कर दिया है और अब मैं फटाफट से नीचे जाता हूँ और उस टैडी को उठाता हूँ और फटाफट से ऊपर जाकर स्लेंडरीना के झूले में उस टैडी को डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टैडी को उठा लिया और भाई अब ग्रैंडपा और ग्रैनी मेरे पीछे लगने वाले हैं। तो यार मैं फटाफट से सामने से निकलता हूँ और जो लिफ्ट थी ना, बिल्कुल छोटी सी लिफ्ट थी, उससे अपन ऊपर चलते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और भाई अरे यार हार्दिक यार, मतलब मैं जस्ट उसके पीछे फंस ही गया था। तो अपन फटाफट से यहाँ से ऊपर चलते हैं और जल्दी से उस झूले में इस टैडी को डाल देते हैं। और यार भाई ये वाला झूला है ना सच में बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है, मतलब अपन इसको लिफ्ट कह सकते हैं बट ये किसी झूले से कम नहीं है। तो यहाँ पर अपन पहुँच भी चुके और देखते जब अपन स्लेंडरीना को उसका टैडी देते तो यार वो अपन को कौन सी की देती है। तो यहाँ पर मैंने इस टैडी को ड्रॉप लगभग कर दिया है, हाँ यहाँ पर मैंने ड्रॉप कर दिया। और भाई इस भूतनी को देखो, बहुत ही खतरनाक तो नहीं लग रही है, थोड़ी यार जोकर टाइप लग रही है, लेकिन हाँ अपन इससे डर तो सकते हैं। तो भाई अपन को यहाँ पर सेफ की मिल चुकी है। एंड देखते हैं अपन को सेफ की में से मतलब मिलता क्या है सेफ की का यूज़ करके। एंड मुझे पता है सेफ की का यूज़ इस वाले फ्लोर पर ही होने वाला है। एंड यहाँ पर बस वो बुढ़ा बुढ़ी और टपक ना जाए। ओके तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं फटाफट से सामने जाता हूँ एंड यहाँ पर इस सेफ की का यूज़ कर दो। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर मुझे शेड की मिल चुकी है। एंड देखते हैं अपन को शेड में से क्या मिलता है। तो अपन को फटाफट से शेड में से जाना पड़ेगा, मैं फिलहाल यहाँ से निकलता हूँ शेड में। तो ओके गाइस यार अपन शेड में पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पर कुछ दिख तो नहीं रहा है। ओके तो यहाँ पर भाई फाइनली यार अपन को ट्रेन की मिल चुकी है, जिससे कि अपन को स्केप करना, और पीछे मुझे बुढ़ा भी दिख चुका था। लेकिन यार उससे अपन को डरने की भी कोई टेंशन की बात है ही नहीं, अपन यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। एंड यहाँ पर अपन फटाफट से जाते हैं ट्रेन की लेकर। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर एक स्टोन पड़ा हुआ है एंड अपन को ये स्टोन बाद में काम में आ सकता है, लेकिन ये ग्रैनी आने देगी तब ना भाई। और ये मेरे पीछे लग गई, एक काम करते हैं यहाँ से जाता हूँ मैं धीरे से और इसको चखमा देकर बिल्कुल कोने से यहाँ से निकल जाता हूँ। और भाई ऊपर कुछ है, शायद वो फायरवुड होगी जिसको कि जलाकर ऊपर का कौवा उड़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है, फटाफट से कोकोनट को लेके पीछे से निकलता हूँ मैं। लेकिन यहाँ से जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ से बुड्ढा आ चुका है और मुझे ऊपर से निकलना पड़ेगा। तो यार एक काम करूँ क्या, मेरे पास एक आइडिया है, मैं फटाफट से इस वाले रूम में से जाता हूँ और जहाँ पर लिफ्ट है ना वहाँ से मैं कूद कर नीचे चले जाता हूँ, ताकि यार वो अपने पीछे लग जाए ग्रैनी और ग्रैंडपा ऊपर आने के और अपन यहाँ से चुपके से निकल पाए। तो यहाँ पर मैं आ भी चुका हूँ, अपना आइडिया यार काम कर गया। तो यहाँ पर मैंने कोकोनट को लगा दिया है एंड इसमें से क्या निकला, ये क्या है,
अच्छा यार ये तो पैडलॉक की है, एंड मुझे यार लिटरली अभी तक समझ में नहीं आया कि यार पैडलॉक का यूज़ करके अपन कर क्या सकते हो। और अरे यार ये यहाँ पर भी टपक गई। अब मुझे फ़िलहाल पूरा घूम के जाना पड़ेगा, और भाई बहुत ही पाँव दुख जाता है मेरे तो यहाँ पर पूरा घूम के जाने में। तो यार यहाँ पर अपन पहुँच भी चुके हैं, और फटाफट से इस स्टोन को कलेक्ट करते हो ताकि अगर मुझे आगे वेपन की मिले ना तो अपन फटाफट से इन स्टोन्स की मदद से ग्रैनी और ग्रैंडपा को आराम से ठोक पाए। फिलहाल तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, एंड फटाफट से अपन इस की को यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। ओके तो यहाँ पर मैंने इस की को ड्रॉप कर दिया, एंड यहाँ पर एक और की थी शायद, ये ट्रक यहाँ पर कहाँ से आ जाएगा। ओके तो ये यहाँ पर ट्रेन की पड़ी हुई थी, एंड मैंने यहाँ पर आकर इसको ड्रॉप कर दिया है। और फटाफट से देखते हैं अपन को और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर मिलती है, और अपन एक काम करते ऊपर जाकर चेक करते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, एंड इसमें क्या हो सकता है, नहीं इसमें कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर क्या हो सकता है। नहीं यार यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। तो और ये वाली जगह नहीं, यहाँ पर तो अपन ने चेक कर लिया था। फिलहाल अपन ने ऊपर कुछ चेक नहीं करा था, तो अपन ऊपर चलते हैं और यहाँ पर क्या हो सकता है इन ड्रॉर्स में देखते हैं अपन को क्या मिलता है। और ओके यहाँ पर अपन को एक कॉइन मिल चुका है, एंड फटाफट से इस कॉइन को लेकर चलते हैं अपन नीचे। तो गाइज अपन नीचे आ तो चुके हैं, लेकिन वो बुड्ढा अपन का सामने से आ ही रहा था, और भाई बाल नहीं बचे अभी अपन बाल नहीं बचे, क्योंकि यार बुड्ढा नीचे से आ रहा था और ये बुढ़िया ऊपर से आ रही थी, और अपन फंस गए थे बीच में। और भाई अब दोनों मिलके अपन की चटनी बनाने वाले, लेकिन यार अपनी चटनी इतनी आसानी से बनने नहीं वाली है। तो अपन यहाँ पर आ चुके हैं, एंड देखते हैं यहाँ पर अपन को अपन मतलब क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अपन ने ये वाली जगह चेक नहीं करी थी, और भाई यहाँ पर तो मुझे कुछ मिला नहीं है अभी तक फ़िलहाल के लिए तो। और यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर अगर कुछ मिल जाए तो यार बहुत अच्छा होगा। और भाई अपन को बहुत ही सही चीज़ मिली अभी तो, और वो है वेपन की, मतलब इससे अपन वेपन को एक्सेस कर सकते हैं, और भाई ग्रैनी और ग्रैंडपा की तो बैंड बजा सकते हैं। तो अब अपन फटाफट से इस वेपन की को लेकर ऊपर चलते हैं। तो गाइज अपन यहाँ पर फाइनली पहुँच भी चुके हैं, एंड यहाँ पर अपन को मिलने वाला है स्लिंग शॉट। और भाई ये वाला शॉट ना बहुत ही खतरनाक लगने वाला है। तो भाई ग्रैनी एंड ग्रैंडपा भी मुझे पता तो नहीं है कहाँ पर हो गया, शायद ग्रैनी ओके यहाँ पर एक ग्रैनी, और भाई ये तो गई, ये चली गई, और इसका बुड्ढा यहाँ पर ही कहीं होगा शायद, इसको देखने आने वाला है। और भाई यहाँ पर आ भी गया, और भाई एक से काम नहीं चलेगा, इसका दूसरा भी देना पड़ेगा, लेकिन दूसरा है नहीं तो इससे मारता हूँ। और भाई तू यहाँ से निकल। तो यहाँ पर मैंने दोनों को उड़ा दिया, अब मुझे जाना है सबसे ऊपर उस क्रो को मारने के लिए, ताकि यार उससे अपन को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, पक्का ना पक्का। शायद उससे अपन को कोई सी की मिल सकती है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट ट्रेन का पार्ट मिल सकता है जिससे कि अपन ट्रेन एस्केप कर सकते। तो यार देखते अपन को इसको मारने के बाद मिलता क्या। तो यार यहाँ पर अपन को इलेक्ट्रिक स्विच मिल चुका है, और वहाँ पर अपन ने दो इलेक्ट्रिक के स्विच ऑन भी कर दिए थे, लेकिन यार एक अपन ने ऑन नहीं करा था। तो यार इसको भी वहाँ पर ले जाते और ऑन कर देते। तो गाइज़ यहाँ पर अपन इस इलेक्ट्रिक स्विच को लेकर आ चुके हैं, एंड मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। तो भाई अपन चलते ऊपर उस शॉटगन को लेने के लिए, ताकि अपन उसका यूज़ नीचे बेसमेंट में कर पाए। उसका यूज़ करके अपन वहाँ से क्रोबार को ले सकते हैं, एंड क्रोबार का यूज़ यार बहुत सारी जगह होने वाला है। तो यार फटाफट से अपन चलते ऊपर उस शॉटगन को लेने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पर फाइनली अपन पहुँच भी चुके हैं, शॉटगन यहाँ पर ही कहीं पड़ी होगी। ओके तो मुझे शॉटगन सामने दिख चुकी है, तो मैं फटाफट से इसको यहाँ पर उठा लेता हूँ, और यहाँ पर एक काम करूँ क्या, नीचे शॉर्टकट से जाता हूँ। यहाँ पर ही कहीं से जाना था मुझे, कहाँ से निकलूँ ओके यहाँ से, हाँ मुझे याद आ गया, यहाँ से एक जगह है नीचे, पहले तो मैं क्राउच होता हूँ और धीरे से यहाँ से कूद जाता हूँ। तो ओके मैं यहाँ पर नीचे पहुँच भी चुका हूँ, और फटाफट से अपन चलते नीचे। सबसे पहले तो मैं इसको रिलोड पर डालता हूँ, एंड यहाँ पर अभी मुझे एक और एमो चाहिए, ताकि यार ग्रैनी यार ग्रैंडपा कहीं कोई नीचे आ गया ना तो भाई मैं उसको आराम से मार सकूँ। तो यहाँ पर मैंने दो शॉटगन की एमो उठा लिए, और भाई अब तो यार से निकलना ही पड़ेगा। तो गाइज फाइनली मैं नीचे आ भी चुका हूँ, एंड मैंने यहाँ पर, अरे यार ड्रॉप नहीं करना है भाई, शूट करना है। तो यहाँ पर मैंने शूट कर भी दिया है, और फटाफट से अपन अंदर चलते हैं। और भाई यहाँ पर का गेट अभी तो खुलने नहीं वाला है, अपन को अंदर से खोलना पड़ेगा। एंड यहाँ पर सामने एक क्रैंक दिख रहा है, और हाँ यहाँ पर अपन को अपना क्रोबार मिल भी चुका है। सबसे पहले तो मुझे क्रोबार को उठाना पड़ेगा, और उसके बाद इस शॉटगन को मैं उठाता हूँ। और भाई यहाँ पर बहुत सारी आवाज़ हो गई है, तो मुझे लगता है कि ग्रैनी अभी आती होगी, तो यार उसका इंतज़ार करते अपन, शायद आने वाली होगी। भाई मुझे तो पता था ये पक्का यहाँ पर आने वाली, क्योंकि यार नीचे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो गई थी।
और भाई आवाज़ हो और ग्रैनी ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो यार यहाँ पर अपन ने ग्रैनी को तो टपका दिया है, और अपन फटाफट से इस क्रोबार को लेकर भाई उठ जा। ओके, क्रोबार को लेकर अपन फटाफट से इस तरफ चलते। सबसे पहले तो अपन को ये वाला बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं था इसमें तो। और अरे यार ये बुड्ढा फिर से आ गया, अब मुझे नीचे निकलना पड़ेगा। तो यार ये बुड्ढे को पहले तो चकमा देता हूँ मैं, यहाँ पर छुप गया। तो गाइज अभी के लिए तो मैं यहाँ पर छिप जाता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो यार अपन फटाफट से इसको खोल के नीचे नहीं चल सकते, क्योंकि यार अब तो अपन को नीचे चलना पड़ेगा, क्योंकि यार ग्रैंड पर यहाँ पर आ चुका और भाई बहुत गोलियाँ फेंक रहा है पीछे से। तो यार अपन को यहाँ से निकलना पड़ेगा, और मैं यहाँ से निकल भी चुका हूँ। और अपन एक काम करते हैं, यहाँ से फटाफट से ग्रैंड पा को चखमा देकर पीछे से उसके निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आ भी चुका हूँ, और भाई बुड्ढा वहाँ से जा चुका है, और भाई अब ये क्रोबार को लेकर मुझे जाना है ऊपर। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच भी चुका हूँ, एंड यहाँ पर से यहाँ पर से अपन को एक एक्सेलेरेटर मिल चुका है, जिसको कि अपन को ले जाकर लगाना है ट्रेन में। तो भाई अब अपन को फटाफट से निकलना पड़ेगा ट्रेन की तरफ, जिसका कि रास्ता कुछ यहाँ से होकर गुजरता है। तो यार यहाँ से अपन नीचे भी आ चुके हैं, और भाई फटाफट से अपन चलते इस रास्ते से इस तरफ, मतलब कि यार इस तरफ, और यार यहाँ से अपन चलते सीधा नीचे। तो भाई यहाँ पर ग्रैंडपा या ग्रैनी भाई आ ना जाए, टपक गई ना वो लोग यहाँ पर, तो भाई मेरी तो बैंड बच जाएगी। सबसे पहले तो अपन को यहाँ से कॉइन को उठाना पड़ेगा, ताकि यार कॉइन से अपन टिकट ले पाए, एंड यहाँ पर टिकट अपनी होनी चाहिए। ओके यहाँ पर अपन आ चुके हैं, और भाई टिकट तो अपन को यहाँ से ही मिलने वाली। तो मैंने बटन को प्रेस करा और यहाँ से मैंने टिकट भी ले ली। तो अपन चलते अब ऊपर, एंड यहाँ पर मैंने बहुत सी चीज़ें को ड्रॉप करा था। सबसे पहले मैं उठाता हूँ इस एक्सेलरेटर को, और यहाँ से लेकर चलता हूँ इस एक्सेलरेटर को सीधा ट्रेन की तरफ। तो भाई अपन यहाँ पर आ भी चुके हैं, एंड फटाफट से सबसे पहले तो मुझे यहाँ से जाकर यहाँ पर अपन को सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करना पड़ेगा। और हाँ यार यहाँ पर तो एक प्लग तो अपना है नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी का रहता है ना, अपन ने कलेक्ट करके रखा है वो, लेकिन अपन ने अभी तक उसको लगाया नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लगा तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो ट्रेन की लगेगी। एंड हाँ यहाँ पर मैंने एक्सेलेरेटर को लगा दिया, लेकिन यहाँ पर तो पावर ही नहीं है। तो यार सबसे पहले अपन को वो जो प्लग है ना, उसको लाकर यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो सके। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से फटाफट से इस प्लग को उठा लेते। और भाई यहाँ पर ग्रैंड पर आ चुका है, और मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, फटाफट से निकलना पड़ेगा। हार्दिक निकल ले भाई यहाँ से। और भाई अरे यार ये बीच में क्यों आ जाता है, मैं आराम से एस्केप कर सकता था, और ये बीच में आ गया। मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट करके वहाँ पर रखी है, तब भी यार ये बीच में आ गया, पता नहीं क्यों आ गया। बट यार अब मुझे वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं इसको चखमा देकर यहाँ पर बुलाता हूँ। आ जा भाई, आ जा आ जा। अरे क्या कर रहा है ओ भाई, आ जा। अरे यार ये आ भी नहीं रहा। अच्छा अब इसने देख लिया है, तो अब ये मेरे पीछे आएगा। आ जा। और भाई ये गोलियाँ चलाए जा रहा है, तो यहाँ से मैं निकलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैं इधर आ जाता हूँ। तो भाई अब मुझे लगता है कि ये ग्रैंड पर यहाँ से निकल चुका है, तो अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। बस ये बुढ़ा यहाँ पर टपक तो गया है, लेकिन यार इसकी बुढ़िया यहाँ पर टपक ना जाए, वरना मेरी तो बैंड बच जाएगी। और भाई यहाँ पर मेरी बैंड भी बच चुकी है, और मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। शिट मैन, और यार मर गया मर गया यार, कुछ नहीं कर पाया मैं। और गाइस सीरियसली यार ये अपना पहला दिन था यार, मुझे लग रहा था अपने एक दो दिन निकल चुके, और भाई अपन एक भी बार अभी तक मरे नहीं थे यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। लेकिन यार अब अपन यहाँ पर मरने नहीं वाले, क्योंकि यार अपन ने सारी चीज़ें कलेक्ट करके यहाँ पर रख लिए। और यहाँ से मुझे सबसे पहले तो उठाना पड़ेगा ये जो प्लग है ना, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच। ओके इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक स्विच, और अपन को जल्दी से जाकर इस स्विच को वहाँ पर लगाना है, ताकि अपन वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को ला सके। तो यार यहाँ पर अपन पहुँच भी चुके, एंड मैं फटाफट से यहाँ पर इसको लगा भी देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है, एंड इसको मैं ऑन भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑन भी कर दिया है। ओके तो यार अपना बहुत सा काम यहाँ पर हो भी चुका है, और भाई अब अपन को चाहिए शायद ट्रेन की, जिससे कि अपन एस्केप कर पाए। तो यहाँ पर ही कहीं पड़ी होगी ट्रेन की, कहाँ पर है भाई, शायद ये ना। ओके भाई भाई अब अपन यहाँ से निकलने वाले, और ग्रैनी और ग्रैंडपा इसको अपन ने हाय बोल दिया इस कंकाल को, इसको तो अपन यहाँ पर छोड़ के जाने वाले। अब ये ज़िंदा नहीं है तो अपन कुछ नहीं कर सकते, और भाई फाइनली अपन यहाँ से निकलने वाले। तो यार अपनी पेटियाँ बांध लो, तो अपन यहाँ से निकलने वाले। तो यार अपन ने इस की को घुमाया, इस एक्सेलेरेटर को नहीं, अच्छा डोर को क्लोज़ करना पड़ेगा। ओके भाई कर देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर अपन ने दोनों डोर को क्लोज़ कर दिया, और भाई फाइनली अपन यहाँ से निकलने वाले। तो गाइस अपन ने इस एक्सेलेरेटर को घुमाया, और भाई फाइनली यार अपन यहाँ से स्केप कर लिए।
तो यार आज यार दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला, क्योंकि यार अपन ने यहाँ का ट्रेन स्केप कर लिया। और भाई ये ग्रैनी और ग्रैंडपा ना सच में यार बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, और इसकी स्लेंड्रीना ना जब तक इसको इसका टैडी नहीं मिले ना हाल बेहाल कर देती है। तो यार अपन ने फाइनली आज ट्रेन स्केप कर लिया है ग्रैनी चैप्टर 3 में। तो यार आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, गुड बाय।